नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, रोज की तरह हम आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के टेस्ट सेट पेपर लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लाए हैं हिस्ट्री का। दोस्तों, हिस्ट्री अगर याद नहीं रखी तो आपकी हिस्ट्री बन जाती है। एग्जाम में सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जब आते हुए क्वेश्चंस कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करें, और जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम निम्न में से क्या था? क्या हो सकता है उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल निम्न में से कौन थे? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बात करें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आर्यों की भाषा निम्नलिखित में से क्या रही होगी? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से संस्कृत आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें क्रिप्स मिशन की, तो जब क्रिप्स मिशन भारत में आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन निथिनगो था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंट बेटन योजना के थ्रू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व तो किसने किया था? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। बात करें 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम जो था
लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या होगा आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन होंगे? तो आत्माराम पांडुरंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार। यहां देखिए भवन की बात हो रही है, तो भवन कौन सी चीज कहती है जो घर के अंदर होते हैं, तो यहां पर अन्नागार जो है बड़ा भवन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नानागार तो बाहर नहाने की व्यवस्था के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? रोलेक्ट एक्ट को कहा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सही हो सकता है उत्तर कौन सा बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी बताइए। यहां पर आपके पास में चार ऑप्शन है, किस भाषा में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से लिखी गई थी, राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास जी के लिए दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेघदूत के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मेघदूत के रचयिता इसमें से कालिदास जी हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किसके मध्य लड़ा गया था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मराठा और अफगानों के बीच। तो यहां पर आपसे पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था यह भी पूछा जा सकता है, और किस किस के बीच में लड़ा गया, तो मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देसी भाषा में समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो देसी भाषा में समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? क्या हो सकता है उत्तर बताइए इसका। चलिए देखते हैं, तो गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी यहां पर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई रिफाइनरी जो कि असम में है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई के कारण माना जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई के साथ में, तो ये बदेरा का युद्ध जो है बेदरा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, बेदरा का जो युद्ध है इसके साथ डचों का भारतवर्ष से पतन हो गया था अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है संसद ने 1976 में पारित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के लिए सेतर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो तोमर शासक कौन था? अनंग पाल था, दिल्ली शहर की स्थापना करने का श्रेय दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका संयोजन थी? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक शैली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण किया था? सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पालुस्कर जो है रघुपति राघव राजा राम के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री का वो क्वेश्चन सेशन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से बना हुआ था। कैसा लगा वीडियो आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, झेलम नदी को और किस नदी के नाम से जानते हैं? झेलम नदी आप ये बताइए, झेलम नदी कहाँ से उद्गमित होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है ना। विस्तस्तता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध जो हुए थे, ये सब आप मुझे बताओ कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दो। कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, आपके दोस्तों के भी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चैनल पर डे 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, फिर शाम को 7 बजे। इन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप हमारा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 सब्सक्राइब करें, जिस पर मैथ्स और रीजनिंग के टेस्ट सेट पेपर अपलोड होते हैं। आप उनको पढ़ के, उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस वही होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।